नमस्कार, रीकिलिंग फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सविता शर्मा, आज मैं आपको अपना सेल्फ ऑरा कैसे क्लीन करना और अपने 24 पार्ट्स पूरे शरीर की रेकी कैसे करना वो सिखाने जा रही हूँ। आप सब लोग इसको ध्यान से देखें और इसी प्रकार आप अपना उपचार करें। ऑरा क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथ रगड़ेंगे, गर्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रेकी शक्ति हवा मंडल को शुद्ध करने के लिए मेरे हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। फिर अपने दोनों हाथ खोल के प्रार्थना करोगे, रेकी शक्ति मेरे हवा मंडल को शुद्ध करने के लिए प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ब्रह्मा में से एक सफेद प्रकाश को अपने ऊपर झरने की तरह बरसते हुए अनुभव करोगे। फिर अपने दोनों हाथों को धीरे से सिर पर ले जाके ऐसे उल्टा करना है। फिर हाथों को धीरे धीरे ऐसे हिलाते हुए इस सफेद प्रकाश को अपने भीतर लाते हुए मन में कहना है, रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे सारे शरीर के आभा मंडल को शुद्ध करो, मुझे स्वस्थ करो और मेरी सारी भारी ऊर्जा को धरती में ले जाके समाप्त करो। इस सफेद प्रकाश को पांव तक ले जाके पांव से सारी भारी ऊर्जा को निकाल के ऐसे धरती में प्रवाहित करना शुद्ध होने के लिए। और इसको हम 3 बार करेंगे। रेकी शक्ति प्रवाहित हो, मेरे शरीर के आभा मंडल को शुद्ध करो, मुझे स्वस्थ करो, मेरी सारी भारी ऊर्जा को धरती में ले जाके समाप्त करो। शरीर के एक एक अंग पे सफेद प्रकाश को ले जाना है। रेकी फ्लो एंड क्लीन माय ऑरा, हील माय ऑरा, ग्राउंड ऑल माय हैवी ऑरा डीप इनटू अर्थ एंड प्यूरिफाई। टेक दिस वाइट लाइट अप टू द फीट एंड रिलीज ऑल द हैवी एनर्जी एंड थ्रो इन द अर्थ फॉर द प्यूरिफिकेशन। इसके बाद राइट हाथ को सिर पे लाके अपने लेफ्ट हाथ का ऑरा क्लीन करें। इसको भी हम 3 बार करेंगे। भारी भारी ऊर्जा को सारा निकाल के धरती में डालेंगे। रिलीज ऑल द हैवी एनर्जी फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड एंड थ्रो इन द अर्थ फॉर द प्यूरिफिकेशन। यही काम हम दूसरे हाथ पे भी करेंगे। लेफ्ट हाथ से राइट हाथ का ऑरा क्लीन करेंगे, सारी भारी ऊर्जा निकाल के धरती में फेंकेंगे। Now you clean the right hand aura and throw all heavy energy deep into the earth for purification. आभा मंडल की सफाई करने के बाद अब हम सीखेंगे कि हम अपना उपचार कैसे करें, अपनी रेकी कैसे करें। जब भी रेकी करना है, ऑरा क्लीन करना है, तो पहले हाथ रगड़ के ऊर्जा का निर्माण करना है, मन में भाव करना है, रेकी शक्ति मेरे उपचार के लिए मेरे हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज। इसके बाद आपको अपने पांचों उंगलियों को हथेली में ऐसे गोल गोल घुमाना है और 1 से 10 की गिनती करनी है। राइट हाथ की लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट हाथ की राइट हाथ। फिर प्रार्थना के लिए दोनों हाथ खुले रखना है, आंख बंद करके शांत होकर मन से प्रार्थना करनी है, ईश्वर गुरु का ध्यान करना है और मन में कहना है कि हे दिव्य आत्मा मेरे साथ उपस्थित हो, मेरा अपना रेकी उपचार करने में मेरा सहयोग करो, रेकी शक्ति उपचार के लिए प्रवाहित हो, एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित हो कि मेरे सारे शरीर को स्वस्थ करो। उपचारक शक्ति को, रेकी ऊर्जा को अपने भीतर आते हुए, अपने दोनों हाथों में आते हुए अनुभव करेंगे। दोनों हाथ की हथेली के चक्र में से एक सफेद प्रकाश निकल रहा है, ऐसा अनुभव करेंगे। अब हम इस ऊर्जा से अपना उपचार करेंगे। जब भी उपचार करना है तो हाथ की हथेली से उपचार करना है, दोनों हाथों को पिरामिड के शेप में रखना है और जिस अंग पे हाथ रखते हो उसी अंग पे ध्यान देना है। आपको हर एक अंग पे 3-3 मिनट का उपचार करना है। तो चले उपचार करें। तो सबसे पहले अपने हाथ की हथेली को आंखों पे रखो और मन में कहो, रेकी शक्ति मेरे दोनों आंखों को स्वस्थ करो, आपके आंखों में रेकी जारी है, ऐसा अनुभव करें। 3 मिनट के बाद अपने हाथ को एक एक करके अपने कान पे लाए, कान पे ध्यान देते हुए कहे, रेकी शक्ति मेरे दोनों कानों को स्वस्थ करो, कानों में रेकी जारी है, ऐसा अनुभव करें। फिर एक एक करके हाथ अपने गाल पे लाए, रेकी शक्ति मेरे दोनों गालों को स्वस्थ करो, गालों में रेकी जा रही है। एक एक करके हाथ अपने
दाएं और बाएं मस्तिष्क पे रखे, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के पार्ट पे रखे। ये शरीर का बहुत मुख्य हिस्सा है। यहाँ पे उपचार करने से दिमाग शांत होता है, नींद अच्छी आती है। रेकी शक्ति मेरे दिमाग को स्वस्थ और शांत करे। रेकी करके हाथ अपने सिर के पीछे ले जाए, स्कल पे, खोपड़ी पे, और मन में कहे रेकी शक्ति मेरे संपूर्ण खोपड़ी को स्वस्थ करे। यहाँ पे उपचार करने से साइनस, माइग्रेन हेडेक, सर दर्द, सर्दी जुकाम की तकलीफ धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अपना सीधा हाथ सामने लाए, आगे चक्र पे रखे और एक हाथ सिर के पीछे। रेकी शक्ति मेरे आगे चक्र को स्वस्थ करे। अब अपना हाथ धीरे से अपने गले पे लाए और दूसरा हाथ गले के पीछे ले जाए। रेकी शक्ति मेरे विशुद्ध चक्रा को स्वस्थ करे। गले के चक्र पे उपचार करने से थायराइड ग्रंथि स्वस्थ होती है, हार्मोन संतुलित होते हैं, वजन संतुलित होता है। अब पीछे वाला हाथ धीरे से सामने लाए, ठीक गले के हाथ के नीचे रखे, छाती के बीच में। गले का हाथ धीरे से निकाल के उसके नीचे रखे, दोनों हाथ की हथेली ठीक छाती के बीच में। थायमस ग्रंथि और हार्ट चक्रा पे रेखी जा रही है। अब अपना ऊपर वाला हाथ पहले उठा के नाभि से तीन उंगल ऊपर दोनों पसलियों के बीच में, दूसरा वाला हाथ नाभि के सामने शरीर से चार उंगल हाथ दूर रखे। मणिपुर चक्र और नाभि केंद्र पे रेखी जा रही है। अपना ध्यान उसी अंग पे रखे और उसमें रेखी जाते हुए अनुभव करे। अब ऊपर वाला हाथ पहले उठाए और नाभि से तीन उंगल नीचे लाए, नाभि वाला हाथ अपने जननेंद्र के सामने लाए। स्वाधिष्ठान चक्रा और मूलाधार चक्रा पे रेखी जा रही है। शरीर के दो मुख्य चक्रों पे रेखी जा रही है। अब एक एक करके हाथ वापस ऊपर लाए, अपने दोनों फेफड़ों पे रखे, फेफड़ों का ध्यान करते हुए मन में कहे रेखी शक्ति मेरे दोनों फेफड़ों को स्वस्थ करो। फेफड़ों में रेखी जा रही है ऐसा अनुभव करे। अब एक एक करके हाथ अपने दोनों पसलियों पे लाए, लीवर और स्पीन में रेखी जा रही है, शरीर के दो मुख्य अंगों में रेखी जा रही है। अब धीरे से एक एक करके हाथ की हथेली नाभि के दोनों तरफ लाके रखे, अपने आंतों का ध्यान करें, आंतों में रेखी जा रही है, आपकी आंखें स्वस्थ हो रही है। अब एक एक करके हाथ अपने पेल्विक जॉइंट, कुल्लों के जोड़ों पे रेखी दे, स्पेरमेटिक कॉर्ड कहते हैं इनको। अब अपने हाथ एक एक करके कंधों पे लेके आए, गर्दन कंधे का ध्यान करते हुए रेखी करें, रेखी शक्ति मेरे गर्दन कंधे को स्वस्थ कर। गर्दन कंधे का तनाव दूर हो रहा है, जकड़न समाप्त हो रही है। अब एक एक करके हाथ अपने पीठ के पीछे पसली पे रखे, दोनों गुर्दों के ऊपर, गुर्दों का ध्यान करते हुए रेखी करें। शरीर के बहुत ही मुख्य हिस्से हैं हमारे गुर्दे, रेखी शक्ति मेरे दोनों गुर्दों को स्वस्थ करो। अब एक एक करके हाथ अपने कमर पे लाए, हिप्स बोन के ऊपर जहां पे आपकी हड्डी है, कमर का ध्यान करते हुए रेखी करें। रेखी शक्ति मेरे कमर को स्वस्थ करो, कमर में रेखी जा रही है। अब अपने टेल बोन पे रेखी दे, ऐसे डबल हाथ करके भी रेखी दे सकते हो, ऐसे करके भी रेखी दे सकते हो। पूंछ पे, टेल बोन पे रेखी देने से पांव के दर्द ठीक होते हैं, पाइल्स की, फिशर की प्रॉब्लम ठीक होती है। लगातार यहाँ पे रेखी देने से बच्चों की हाइट बढ़ती है। फिर अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ सामने लाए, अब अपने हाथों पे रेखी दे, रेखी शक्ति मेरे दोनों हाथों को स्वस्थ करो। अब एक एक करके हाथ अपने जांघ पे लाए, रेखी शक्ति मेरे दोनों जांघों को स्वस्थ करो। एक एक करके हाथ अपने घुटने पे लाए,
रेकी शक्ति मेरे दोनों घुटनों को स्वस्थ करो। एक एक के हाथ अपने पांव की पिंडली पे लाए, काफ मसल्स पे। रेकी शक्ति मेरे दोनों पिंडलियों को स्वस्थ करो। पिंडलियों में रेकी जा रही है। अब पूरा नीचे झुकने के बजाय घुटने पे ऐसे हाथ रख के अपने एडी पे रेकी दे, एंकल पे, टखनों पे। रेकी शक्ति मेरे दोनों टखनों को स्वस्थ करो। आपके टखनों में रेकी जा रही है। अब अपने दोनों हाथों को पांव के तलवे पे ऐसे लाके कहे, रेकी शक्ति मेरे दोनों तलवों के चक्रों को स्वस्थ करो। आप पांव ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी रेकी दे सकते हो। आप पांव सीधे रख के ऐसे भी रेकी दे सकते हो। आपके तलवों के चक्रों में रेकी जा रही है। शांत होके अपने सारे शरीर का ध्यान करें, सिर से पांव तक सारे शरीर में रेकी ऊर्जा की तरंगे चल रही है। मन में कहे, लगातार उपचार के लिए रेकी शक्ति मेरे पांव के तलवों में स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। फिर अपने दोनों हाथ को ऐसे बंद करें। अब आपको जहां तकलीफ है वहां पे 10 मिनट एक्स्ट्रा रेकी दे, लोकल पार्ट पे। जहां तकलीफ है, सिर में तकलीफ है तो सिर पे रेकी दे, घुटनों में तकलीफ है तो घुटनों पे रेकी दे, कमर में तकलीफ है तो कमर पे रेकी दे, पेट में तकलीफ है तो पेट पे रेकी दे। 10 मिनट अपने लोकल पार्ट पे एक्स्ट्रा रेकी दे और मन में कहे, लगातार उपचार के लिए रेकी ऊर्जा स्थापित। फिर अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहे, मैं रेकी ऊर्जा को बंद करती हूँ। हाथ जोड़ते हुए कहे, मैं रेकी शक्ति रेकी गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने माँ बाप का धन्यवाद करती हूँ, अपना धन्यवाद करती हूँ। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के आराम से अपने स्वाभाविक अवस्था में लौट गया है। आप सभी का मेरा धन्यवाद। 24 अंगों का रेकी उपचार कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया है। और मैंने ये भी बता दिया है कि जब भी उपचार करना है तो अपना आभा मंडल साफ जरूर करना है। तो अब हम सीख रहे हैं कि 7 चक्रों का उपचार कैसे करना है। चक्रों का उपचार क्यों करना है? चक्रा हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं। अगर आप एक भी चक्रा पे रेकी देते हो, एनर्जी देते हो, तो वो ऊर्जा सारे उस अंग के अंदर जाती है, सारे अंग को ऊर्जान्वित करती है। जब आप बहुत बिजी हो, आप फुल बॉडी रेकी नहीं कर सकते, तो कम से कम 7 चक्रों की रेकी जरूर करें, जो खाली 20 मिनट की रेकी है। तो चले चक्रों की रेकी करें। तो रेकी करने से पहले अपने हाथों को चार्ज करें। मन में कहे, रेकी शक्ति मेरे चक्रों के उपचार के लिए मेरे हाथों को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। फिर अपने उंगलियों को चार्ज करें। अरे राइट हाथ की लेफ्ट हाथ में, लेफ्ट हाथ की राइट हाथ में उंगलियों को घुमाए, 1 से 10 की गिनती करें। फिर प्रार्थना करने के लिए दोनों हाथ सामने खोले, 5 उंगलियां आपकी बंद रहे, पिरामिड के शेप में हाथ रहे। इसका हमेशा ध्यान में रखें कि हाथ हमेशा पिरामिड के शेप में रहने चाहिए, उंगलियां बंद रहनी चाहिए। दोनों हाथ सामने ऐसे करके आंख बंद कर ले। शांत मन से ईश्वर गुरु का ध्यान करे। मन में कहे कि हे दिव्य आत्मा, मेरे साथ उपस्थित हो, चक्रों का उपचार करने में मेरा सहयोग करो, मुझे मार्गदर्शन करो। रेकी शक्ति मेरे चक्रों के उपचार के लिए प्रवाहित हो। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित होके मेरे 7 चक्रों को स्वस्थ और संतुलित करो। रेकी शक्ति को अपने भीतर आते हुए अपने दोनों हाथ की हथेली में आते हुए अनुभव करेंगे। दोनों हथेली में से एक दिव्य प्रकाश प्रकाशमान हो रहा है। अब हम इस ऊर्जा से अपने चक्रों का उपचार करेंगे। अपना लेफ्ट हाथ अपने सुष्टाहार चक्र पे लाओ। शरीर से 4-4 उंगल हाथ ऊपर रखें, शरीर को टच नहीं करें। राइट हाथ अपने मूलाधार चक्र के सामने, सुष्टाहार चक्र पे ध्यान देते हुए कल्पना करें, बैंगनी कलर के चक्र की कल्पना करें। मूलाधार चक्र पे ध्यान देते हुए लाल कलर के चक्र की कल्पना करें। 5-5 मिनट तक हमें चक्रों पे उपचार देना है, 2-2 चक्रों पे। मन में कहे, रेकी शक्ति मेरे सुष्टाहार चक्र और मूलाधार चक्र को स्वस्थ और संतुलित करो। फिर धीरे से एक एक करके हाथ आगे बढ़ाए, वो
ऊपर वाला हाथ अपने आगे चक्र पे लाए, नीचे वाला हाथ अपने स्वाधिष्ठान चक्र के सामने लाए। आगे चक्र पे जहां हाथ रखा है गहरे नीले कलर के चक्र का ध्यान करें। स्वाधिष्ठान चक्र नाभि के नीचे जहां हाथ रोका है केसरी कलर ऑरेंज कलर के चक्र का ध्यान करें। मन में कहे, रेकी शक्ति मेरे आगे चक्र को और स्वाधिष्ठान चक्र को स्वस्थ और संतुलित कर। फिर धीरे से अब अपना एक एक करके हाथ अपने विशुद्ध चक्रा पे लाए, ऊपर वाला हाथ, और नीचे वाला हाथ अपने मणिपुर चक्रा पे लाए। गले के पास जहां हाथ रखा है ये आपका विशुद्ध चक्रा है, हल्के नीले कलर के चक्र का ध्यान करें। नाभि से ऊपर जहां हाथ रोका है आपका मणिपुर चक्रा है, पीले कलर के चक्र का ध्यान करें। मन में कहे, रेकी शक्ति मेरे विशुद्ध चक्र और मणिपुर चक्र को स्वस्थ और संतुलित कर। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को बिल्कुल छाती के बीच में लाए और एक के ऊपर एक को मिला दे। ये आपका हार चक्र है, अनाहत चक्र है, हरे कलर के चक्र का ध्यान करें। मन में कहे, मेरे सातों चक्र स्वस्थ और संतुलित है। लगातार उपचार के लिए रेकी शक्ति मेरे अनाहत चक्र पे स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। मुट्ठी बंद करते हुए कहे, रेकी ऊर्जा शांत हो। हाथ जोड़ते हुए रेकी शक्ति रेकी गुरुओं का धन्यवाद करे, अपने माँ बाप का धन्यवाद करे, ईश्वरीय शक्ति का धन्यवाद करे, अपना धन्यवाद करे। धीरे धीरे अपनी आंखें